लगातार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या पीसीआई बंद हो चुकी है, पीसीआई भंग हो चुकी है, उसके जितने भी मेंबर हैं क्या वे सब हट चुके हैं, तो ऐसी न्यूज़ मतलब सुनने को आ रही है लोगों को। और ऐसी ही स्थिति में मैं लगातार 15 दिनों से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ पीसीआई के वेबसाइट पर। उनका जो अंतिम सर्कुलर आया था वो अप्रैल महीने में आया था, अप्रैल महीने के बाद से अभी तक, अभी जो है ये छठा महीना चल रहा है, कोई नया सर्कुलर नहीं आया है उनके सर्कुलर वाले टैब पे जो पीसीआई की वेबसाइट है। वहीं बात की जाए कि अगर कोई विद्यार्थी अपना स्टूडेंट का कोई अगर कोई विद्यार्थी है और वो एडमिशन लेना चाहता है डी फार्मा में, तो पीसीआई के वेबसाइट पर कॉलेज की लिस्ट ही नहीं है। जो डी फार्मा के कॉलेज की लिस्ट है वहाँ पर कोई भी लिस्ट मौजूद नहीं है, चाहे वो अंडर सेक्शन 12 का कॉलेज हो या फिर कंडक्ट वाला कॉलेज हो। तो इस हिसाब से मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्या पीसीआई इतना लेट क्यों कर रही है, क्योंकि कॉलेज का सर्टिफिकेशन जानने का एक जरिया होता है पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, और उस ऑफिशियल वेबसाइट में किसी भी तरह का कॉलेज का कोई भी लिस्ट मौजूद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और इसी बीच में सारा कुछ जब चल रहा था तो जो पीसीआई के मेंबर हैं जो झारखंड से संबंध रखते हैं, तो उनका एक शायराना रूप में जो लिखा हुआ वक्तव्य है उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि उनके इस कविता के माध्यम से ये पता चल रहा है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते पीसीआई की वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन करने की कोशिश की, वो फ़ोन भी वो लोग नहीं उठा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर मान लीजिए पीसीआई डिसॉल्व हो जाती है तो पीसीआई डिसॉल्व नहीं होगी, उसकी कमिटी डिसॉल्व होती है, तो इससे क्या जो कॉलेज डी फार्मा एफिलेटेड हैं उन पर कोई असर पड़ेगा, या बैचलर वाले कॉलेज पे असर पड़ेगा, या मास्टर वाले कॉलेज पे असर पड़ेगा? और अगर विद्यार्थी किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो आखिर कैसे पता करे कि ये कॉलेज पीसीआई से अप्रूव है या नहीं? तो इसके लिए जो है आपको वहाँ पर तो वेबसाइट पर किसी भी तरह का कॉलेज का कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, तो आप उनसे अप्रूवल लेटर मांगिए। अप्रूवल लेटर पीसीआई ने सभी कॉलेज को मेल करके भेजा है, और आपको अप्रूवल लेटर जो है देखने के बाद वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पीसीआई से कॉलेज अप्रूव है या नहीं, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना पीसीआई अप्रूव कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसका फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके स्टेट काउंसिल में, तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी अपडेट है, अगर कोई और अपडेट आती है इस रिगार्डिंग, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।